पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा श्री साष्टांग दंडोत प्रणाम एवं समस्त दिव्य आत्माओं को ऋषि परंपरा को हृदय से वंदन करते हुए योगांगुष्ट नाद अशुद्धि क्षयो ज्ञान दीप्ति वैराग्य ख्याति। आज मैं आपके सामने ऐसे आसन को रखने जा रहा हूँ जो आसन संपूर्ण योग आसन में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मैंने उस आसन का नाम है मरकट आसन और इसकी अलग अलग विविधताएं हैं। जो लोग जिन्होंने अपने जीवन की सारी अपेक्षाएं समाप्त कर दी है, निरुदंड से वो पूरे परेशान हैं, एड़ी से लेकर के चोटी तक पूरे शरीर में व्याधि का पूरा साम्राज्य फैला हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए आज मैं आपके सामने मरकट आसन के विधिवत करने के तरीके आपके सामने रख रहा हूँ। मेरी आपसे विनती यही है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और बने रहे मेरे साथ में। तो देखिए, मरकट आसन जो सबसे श्रेष्ठ है, जिस भी क्षेत्र में जो भी बच्चे बूढ़े युवा जो भी हो, सबके लिए उपयुक्त आसन है। उसके लिए हमें ऐसे पीठ के बल लेटना होता है और पीठ के बल लेट करके दोनों हाथ छाती के साइड में ऐसे फैला कर दोनों पैरों में जितना फासला ले सकते हैं उतना फासला रखना। और पहले प्रथम मरकट आसन करने से पहले थोड़ा सा देखिए, अब दोनों पैरों को मैंने मोड़ लिया, दोनों पैरों को मोड़ के थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस रखिए, थोड़ा हिला लेना पैर को ऐसे, थोड़ा वार्म अप भी हो जाएगा और आपकी मानसिकता बन जाएगी मरकट आसन करने की सही विधि। थोड़ा पैरों को संचालित किया, अब आइए मरकट आसन का पहला अभ्यास। दोनों पैर घुटने से मुड़े हुए हैं और दोनों पैरों की एड़ी नितंब के आसपास रखी है। अब सांस भरते हुए दोनों घुटने दाई साइड, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा और गर्दन आपकी होगी उससे ठीक विपरीत दिशा में, माने बाएं साइड में। थोड़ी देर तक रुकना, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना। उसी अभ्यास को हम दूसरे ओर दोहरा रहे हैं। हर आसन में कम से कम 10 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड तक रुकना है। एड़ी के ऊपर एड़ी हो, घुटने के ऊपर घुटना हो, टखने के ऊपर टखना हो, हाथ आपके कंधे के समान हो और गर्दन ठीक घुटने के विपरीत दिशा में हो। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने वाला अभ्यास। एड़ी से लेकर के चोटी तक समस्त समस्याओं का समाधान मरकट आसन, इसके 6 अभ्यास है। 4 अभ्यास तो कई सारे लोग जानते हैं, उन्हीं 4 अभ्यासों में और 2 अभ्यासों को हम ऐड करके आपके सामने रख रहे हैं। ये पहला अभ्यास हुआ मरकट आसन का। अब दूसरा अभ्यास, दूसरे अभ्यास के लिए दोनों पैरों के बीच मैंने यहाँ फासला लेना है और जैसा पहला अभ्यास किया बस वैसे ही जिनको हिप जॉइंट की समस्या है, हिप जॉइंट में लुब्रिकेशन लॉस हो चुका है, मेरुदंड में कई सारी बड़ी बड़ी समस्या है, मेजर माइनर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस स्लिप डिस्क या फिर वर्टिगो को भी समस्या है, पेट में भी तकलीफ है, गैस बनता है, एसिडिटी बनती है, पेट साफ होता नहीं, पचन पाचन और पोषण सब कुछ बिगड़ चुका है,
अमाशय अग्नाशय और पित्ताशय, इसकी भी समस्या हो चुके हैं, तो हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे लें? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो पूरे शरीर में अकड़ आ जाती है, मसल स्टिफ हो जाती है। मरकट आसन पोज नंबर 2, बस योगांगुष्ठ नाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति वैराग्य ख्याति, इस सूत्र का ध्यान कीजिए और हर अभ्यास को सही तरीके से करें। सही तरीका मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये दूसरा अभ्यास था मरकट आसन का, आइए अब इसका तीसरा अभ्यास करें। बायां पैर को फैला देना और दायां पैर ऐसा शरीर से थोड़ा दूर रखना, ऐसा देखो यहाँ रखा। तीसरा अभ्यास, मरकट आसन का थर्ड पोज, फिर दायां पैर सीधा कर देना, बायां पैर को मोड़ना, शरीर से उसकी दूरी थोड़ी बनाए रखना, फिर उसके बाद उसका घुटना भूमि को छूना चाहिए, ऐसा प्रयास करना। एड़ी से लेकर के चोटी तक सारे समस्याओं का समाधान है मरकट आसन, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने वाला अभ्यास। कुछ बच्चे, आजकल बच्चे ज़्यादा जिम में इंटरेस्ट रखते हैं, जिम में जाने के बाद में वो प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं, सावधानियाँ के बिना ही जिम करते हैं, फिर स्लिप डिस्क हो जाती है, अपनी क्षमताओं से ज़्यादा वजन उठाते हैं, या फिर कुछ सपोर्टर नहीं लगाते, कमर में बेल्ट नहीं लगाते, और उसके बाद फिर उनको हाइड्रोसिल की समस्या हो जाती है, अंडकोश में वृद्धि हो जाती है, कहीं अनचाहे नसें तन जाती है, और फिर कई बड़े बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये मरकट आसन का तीसरा पोज हमने किया, आइए अब करेंगे चौथा पोज। दाहिने पैर को यहाँ रखना, बाएं पैर के घुटने के ऊपर, जंगा के ऊपर, बाएं हाथ से दाएं पैर का घुटना ऐसा पकड़ना और धीरे धीरे उसको दाया पैर का घुटना बाएं साइड में भूमि पर टिका दिया है, गर्दन दाएं साइड में है, 10 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक रुकना है। कितनी भी जटिल व्याधि हो, बस यह अभ्यास आपको करने हैं। गर्भवती माताएं भी कर सकती हैं। गर्भवती माताओं के लिए तो ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे आसान तरीका है। डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। चौथा अभ्यास कर रहे हैं मरकट आसन का। खेते में किसानी करने वाले हमारे किसान भाई, फैक्ट्रियों में काम करने वाले हमारे कामगार भाई, हमारे कर्मचारी भाई, जो अलग अलग स्थानों पर, जिनको झुकने का बहुत काम है, या जिनको बैठने का काम है, या जिनको पूरा दिन भर सिक्योरिटी जो तैनात रहते हैं, देश के सीमाओं का रक्षण करने वाले जवान, 12-12 घंटा, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, और फिर कई सारे समस्याओं से वो भर जाते हैं। तो ये हमने किया मरकट आसन का विशेष चौथा अभ्यास। आइए अब पांचवा अभ्यास करते हैं। पांचवा अभ्यास
दाहिने पैर को 90 डिग्री में ऊपर उठाकर धीरे धीरे बाएं हाथ की तरफ ले जाते हैं, गर्दन अपोजिट साइड में, नीचे वाला घुटना भी सीधा और जो ऊपर उठाया पैर है उसका भी घुटना सीधा। थोड़ी देर तक रुकने के बाद फिर वापस लौटते हैं। हर अभ्यास को सांसों के साथ करना। मैं बोलते बोलते आपको दिखा रहा हूं मरकट आसन। एड़ी से लेकर के चोटी तक पूरे शरीर का समाधान। खेलने वाले क्रिकेटर्स, कबड्डी, खो खो, जो भी खेल प्रेमी हैं सबको यह आसन करना बहुत जरूरी है। घर में काम करने वाली हमारे माताएं बहनें जो बस छोटी छोटी चीज़ों के लिए दिन भर बहुत हार्ड तोड़ मेहनत करती है और छोटी छोटी बातों के लिए उनको झुकना पड़ता है, पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, कपड़ा धोना है, बर्तन मांजने हैं, जो भी काम है उनके दिन भर के। तो ये पांचवा अभ्यास था मरकट आसन का। छठा अभ्यास वही लोग करें जो स्वस्थ है। छठा अभ्यास जो है दोनों पैरों से, जिनको हाई बीपी की समस्या है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, या फिर जो माताएं गर्भ अवस्था धारण कर चुकी है उनको नहीं करना चाहिए। कमर में कोई तकलीफ है, हार्निया है, हाई बीपी है, तो वो छठा अभ्यास ना करें। बाकी पांच अभ्यास वो कर ले मरकट आसन के। असाध्य व्याधियों से जो ग्रसित लोग हैं उनको योग में दोनों पैर उठाने वाला कोई भी आसन करना नहीं चाहिए। मरकट आसन बंदर को कभी भी किसी ने रीढ़ की हड्डी में तकलीफ देखी नहीं है और आज तक कोई मिला भी नहीं ऐसा बंदर। इसके लिए इस आसन का नाम ही मरकट आसन रखा गया है। मरकट के जैसे, मतलब बंदर के जैसे शरीर में लचीलापन आ जाता है और हम हर कार्य को करने के लिए चुस्त और दुरुस्त बन जाते हैं। ये छठा अभ्यास था मरकट आसन का। उसके बाद में, ये होने के बाद में विश्राम करना, दोनों हाथ यहाँ ऐसे सीट के नीचे रखे। थोड़ी देर तक विश्राम भी जरूरी है। हर अभ्यास को जितना बार आप दाएं साइड करोगे उतना ही बाएं साइड में करना बहुत जरूरी है। माना कि आपने कोई भी अभ्यास पांच बार दाएं साइड किया तो पांच बार उसको बाएं साइड भी करना जरूरी है। और हर अभ्यास को करते समय, आरंभ करते समय तीन बार पहले दाएं साइड करना, फिर बाएं साइड करना, फिर धीरे धीरे बढ़ाना, पांच बार करना, फिर धीरे धीरे सात बार, फिर नौ बार, फिर ग्यारह बार, या फिर दस बार, या फिर बीस बार, पचास पचास तक जा सकते हैं। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं सौ सौ बार तक भी कर सकते हो। विश्राम होने के बाद में आराम से अपने दोनों हाथों को निकाल लेना और फिर जब भी आपको उठना है आराम से बाई करवट लेके ऐसे आराम से उठना है। ये मरकट आसन हमने आपके सामने इसके लगभग छः अभ्यास रखे। बस मेरी आपसे ये विनती है, आप दिन में छः मिनट भी अगर इसको करते हो हर दो तीन घंटे के बाद, हर दो तीन घंटे के बाद दिन में ऐसा तीन बार भी अगर इसको कर लेते हो, जो बहुत ज़्यादा असाध्य व्याधियों से ग्रसित है, जिनको उठा नहीं जाता है, जिनको बैठा नहीं जाता है, जिनको चला नहीं जाता है,
और जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा असमर्थ है कोई भी अभ्यास करने में, तो मेरी आपसे यही विनती है कि बस ये अभ्यास आप अपनाएं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों। महर्षि पतंजलि तो कहते हैं, जो सूत्र मैंने बताया आपको, योगांगुष्ठ नाद अशुद्धि क्षयो ज्ञान दीप्ति वैराग्य ख्याति, वो कहते हैं अगर आप योगी हो, योग कर रहे हो, योग के प्रेमी हो, योग के प्रेमी का मतलब होता है आप भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो, आप जिस भी क्षेत्र में कदम रखोगे उस क्षेत्र के आप प्रथम व्यक्ति बन जाओगे, तो ये स्वस्थ रहना तो ये एक उसका साइड बेनिफिट है, मगर इससे भी शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल और आध्यात्मिक बल हमें इससे मिलता है। ऐसी ये हमारी ऋषियों की परंपरा है, ऐसी हमारी ये गोपनीय विद्या जो योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दी और उसके माध्यम से आज उसका सारा विश्व पान कर रहा है। तो ये मरकट आसन आप सब लोग से फिर पुनः मैं विनती करता हूँ कि आप उसको सही तरीके से करें, और 6 अभ्यास है उसके, 6 अभ्यासों को ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। तो मैं आज के मेरे इस सेवा को समापन की ओर बढ़ाता हूँ। मैं गोकुल जी घुगे, नासिक जिला पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार, इनके तत्वानुसार परम पूज्य प्रातस्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य प्रातस्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री के दिशा निर्देशानुसार ये यूट्यूब के माध्यम से ये सेवा आपके घर घर, आपके द्वार द्वार पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस मेरा साथ निभाना, और जो आपके मित्र है, जो अप्तेष्ट है, जो भी आपके सगे है, जिनका भी आप जीवन में भला चाहते हो, जिस किसी को भी कोई भी मेजर या माइनर समस्या हो, उनको ये शेयर करना और उसको लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह हमारा ऋषियों का संदेश पहुँचे, बस यही हम सब की मंगल इच्छा है। तो इस इच्छा को पूरा करना, तो मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।